सकती। कल वो जो लड़के जिसको गैंग रेप किया गया, जिसको गैंग रेप किया गया, जिसको जला दिया गया, कल मैं भी वो हो सकती हूँ। दिल्ली महिला आयोग ने 3 साल में 55,000 केसेस की सुनवाई करी, 2.25 लाख कॉल्स नेट वन हेल्पलाइन पर अटेंड करे, 75,000 से ज्यादा ग्राउंड विजिट्स करी, 33,000 कोर्ट केसेस में सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मदद करी है, 200 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। देश का इकलौता आयोग है, पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ, जो शनिवार को और इतवार को दिन को रात को काम करता है। पिछले साल अनशन किया था, 10 दिन तक अनशन रहा, 10 दिन तक भूखी प्यासी रही। मेरा वेट 67 किलो था, 60 किलो पे मैं आ गई। इतनी तपी, इतना तड़पी, तब जाके 10वें दिन पे देश की सरकार ने कानून बनाया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को तो अब हर हाल में फांसी की सजा देंगे। तब जाके 10वें दिन पे अनशन खत्म किया और उठी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे देश की सरकार मेरी मदद करेगी, कानून बनाया है तो लागू भी करेगी। पर कितने दुख की बात है, आज 1.5 साल हो गए पर कानून लागू नहीं हुआ। छोटे बच्चों को तो छोड़ दो, वो निर्भया की माँ दर दर की ठोकरे खा रही है। 7 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी दे दो, दोषियों को, दोषी है, लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी गई। तो इतने जगदोजहद दिल्ली महिला आयोग कर चुका, अनशन कर लिए, केसेस सुनवाई कर ली, सब कुछ करके देख लिया, पत्र लिख दिया अनगिनत। ऐसा लगता है जैसे कि उठाते हैं और कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनकी बेटियों के साथ तो नहीं होता ना। जो मरती है वो किसी आम इंसान की बेटी मरती है, किसी नेता की बेटी नहीं मरती ना। जब एक आम लड़की मरी, जब एक आम लड़की को गैंगरेप करके उसको जिंदा जला दिया, तो नेता क्या कहता है, वहां का मुख्यमंत्री तेलंगाना का कहता है 100 नंबर पे कॉल नहीं करा। अरे वो आदमी चिपटे हुए थे, 100 नंबर पे क्या खाक कॉल करते, तेरी बेटी होती तब भी तो यही बोलता। ऊपर से कहता है अब ना 8 बजे के बाद रात में ना बाहर मत निकलना। हाँ हमें बताओ, 8 बजे के बाद बाहर ना निकले, जीन्स पैंट ना पहने, ऐसे कपड़े ना पहने, छोटे कपड़े पहने होंगे जरूर, बॉयफ्रेंड होगा जरूर, और बस में क्यों नहीं गई रात में, ऑटो में क्यों नहीं गई, इसमें क्यों नहीं गई, अरे उसने मारा क्यों नहीं, उसने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं किया। अरे जिसके साथ हो रहा है ना उससे पूछो, जिस बच्ची को जिंदा जला दिया गया उस बच्ची की माँ से पूछो, उसकी कोई गलती नहीं थी, एक छोटी सी बच्ची अभी जिंदा, अभी पैदा हुई, 6 साल होते क्या है जिंदगी के, उसकी आंखें मोच कर निकाली, उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो। ये बैठे हुए संसद के लोग, इनको फर्क नहीं पड़ता ना, बड़ा सुन रहे हैं हम आजकल, बड़ा गुस्सा है संसद में, हाँ सब लोग रो रहे हैं, सब लोग गुस्सा दे रहे हैं, हमारा देश ऐसा है, हमारा ये ऐसा है। अरे तुम कैसे हुए देखो ना, तुमने क्या बदलाव किया, क्या कोई बदलाव हुआ? तुम्हें वहां गुस्सा करने के लिए, रोने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए नहीं बिठाया। तुम्हारे ये जो बड़े बड़े एसी में बंगले और गाड़ियां है ना, ये यहाँ पे बैठी हुई महिलाओं की टैक्स के पैसे से तुम्हारी ये सब चलता है। तो तुम्हें वहां पे अय्याशी करने के लिए नहीं बिठा रखा, तुम्हें वहां पे दुख व्यक्त करने के लिए नहीं बिठा रखा, तुम्हें वहां पे काम करने के लिए वहां पे बिठाया है। तो इसलिए मैं, जब मैंने ये 6 साल की बच्ची की कहानी सुनी, कल ही सुनी, कल मैंने 12-1 बजे मैंने ये देखा, और 2 बजे तक मैंने ये अनशन अनाउंस करा। मैं आमरण अनशन पे बैठी हूँ, मैं एक बहुत आम लड़की हूँ, मेरी बहुत आम ख्वाहिशें हैं, मैं नहीं चाहती मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। मेरी माँ की मेरे प्रति बहुत ख्वाहिश है, मेरी बहन है, मेरा पूरा घर है, वो सब चाहते हैं कि मैं भी जिंदा रहूँ, और मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। लेकिन अब ये आमरण अनशन हर हाल में होते रहेगा, क्योंकि मैं अगर उस 6 साल की बच्ची की हालत देखकर भी अपनी आँख बंद करके पलट गई तो फिर मैं वैसे ही मर गई, तो ये मुझे क्या मारेंगे, मैं तो वैसे ही मर चुकी हूँ।
तो मुझे अब हर हाल में आमरण अनशन भी करूंगी और प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है। मेरी डिमांड है सर, मेरी डिमांड है कि हर देश की हर बच्ची, हमारे देश की हर बच्ची सुरक्षित हो। ये डिमांड बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। मैं क्या मांग रही हूँ, मैं ये मांग रही हूँ कि देश में जो कानून बन चुके हैं उन्हें लागू करना शुरू करो। अरे मैं बैठी थी 10 दिन अनशन पे बैठी थी, तब जाके 10वें दिन आपने कानून बनाया था, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दोगे। अब तक एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं हुई, तो क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम लागू नहीं करते, तुम लागू नहीं करना चाहते। क्या बदलाव कर रहे हो तुम, क्या लागू किया तुमने? हम क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि देश भर की पुलिस के जो संसाधन है इन्हें बढ़ाओ। आज दिल्ली पुलिस 13 साल से दिल्ली केंद्र सरकार से 66,000 पुलिसकर्मी मांग रही है। केंद्र सरकार ने 13 साल से दिल्ली पुलिस को 66,000 पुलिसकर्मी नहीं दिए। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप जैसे हम जैसे लोग सड़क पे निकलते हैं, हम वहां सड़क पे खड़े होते हैं, तो क्या कोई पुलिस वाला दिखता है? कोई आपको मदद में दिखता है? आपको कहीं पे दिल्ली में कोई दिखता है आपको पुलिस वाला? नहीं दिखता ना। और दिख भी गया तो मदद कर देता है क्या? नहीं करता ना। तो दिल्ली पुलिस और देश भर की पुलिस के संसाधन भी बढ़ाओ और इनकी जवाबदेही तय करो। मुझे बताइए आप में से कितने लोग 100 नंबर पे कॉल करते होंगे, कभी कोई रिलीफ मिलता है? नहीं मिल पाता ना। तो पुलिस की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तो रेप कैसे रुकेंगे? सही बात है, कहते हैं कि करते रहो, हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं उठाएंगे। तो पुलिस की पूरे देश में यही समस्या है, जवाबदेही तय की जाए और संसाधन बढ़ाए जाए। और साथ में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट आज दिल्ली में 45 की कमी है। अरे दिल्ली तो छोड़ दो, पूरे देश में ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पे एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। तो देश भर के फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तब जाके कानून लागू होना शुरू होगा। तो हमें ये तीनों चीजें चाहिए। साथ में निर्भया का फंड है, 1,000 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार उसके ऊपर बैठी हुई है, देती ही नहीं राज्य सरकार को। इस फंड से सारे देश के पुलिस थानों में CCTV कैमरा लग सकते हैं। इस फंड से सारे देश की जितनी निर्भयाएं हैं उन्हें पुनर्वास किया जा सकता है। इस फंड से पता नहीं क्या क्या नहीं किया जा सकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बना सकते हो, DNA टेस्टिंग लैब्स भी बना सकते हो, पर बनाते नहीं। इससे बड़ा निर्भया के मुंह पर और इस देश की महिलाओं के मुंह पे क्या तमाचा हो सकता है कि केंद्र सरकार निर्भया के नाम पे एक फंड बनाती है और उसको 7 साल में 1,000 करोड़ उसके खर्च नहीं करती। तो ये फंड भी खर्च हो तुरंत से तुरंत। और वो जो माँ है ना, जो निर्भया की बेटी, जिसकी बेटी है निर्भया, उस माँ को कम से कम अब अगले कुछ दिनों में न्याय दे दो। निर्भया के जो रेपिस्ट है आज वो सरकारी मेहमान बनके हमारी जेलों में बंद पड़े हैं। उनको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमारे ही टैक्स पेयर के पैसों से वो मजे कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में उनको तुरंत फांसी मिलनी ही चाहिए, ये हमारी मांग है। तो ये सारी मांगों को लेकर मैं आमरण अनशन कर रही हूँ। और जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं बहुत शौक से कर रही हूँ, मुझे क्या मजा आएगा। अब ठंड और हो रही है, बहुत तड़प होगी, बहुत परेशानी होगी, लेकिन वो जो चीखे हैं ना इन बच्चियों की, अब वो आंख बंद करने नहीं देती। अपने टेन्योर में हर हाल में बदलाव करा के रहूंगी। अगर हमारी सरकारें सिर्फ और सिर्फ अनशन की भाषा समझती हैं तो ये अनशन ही होगा और आप अनशन ही करेंगे। आप लोगों से अपील है, मैं एक अकेली महिला बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप लोग सपोर्ट करेंगे तब ही बदलेगा, देश बदलेगा। पिछली बार भी महिलाएं वहां थी अनशन पे, तब जाके केंद्र सरकार के पास गूंज पहुंची थी। नहीं तो मरने के लिए तो हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिन जो मर जाते हैं अनशन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी शक्ति यहाँ बैठी हुई सारी महिलाएं हैं, मेरी शक्ति वो सारी महिलाएं हैं जो घरों में मेरे को सुन रही हैं, वो सारे पुरुष हैं जिनका दिल भी इस इशू पे धड़कता है। सारे पुरुष खराब थोड़ी ना है, कितने पुरुष हैं जो हमारे भी घर में हैं, जो हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सारे ये डर, ये गुस्सा महसूस करते हैं। सबसे मेरी अपील है,
हाथ जोड़ के अपील है, ये अब आर या पार की लड़ाई है, मैं तुझे उठूंगी नहीं। आप लोगों ने मदद करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग साथ देंगे उतना ही बदलाव होगा। मुझे बहुत दुख होता है, इतना करने के बाद आज दिल्ली पुलिस मुझे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है, उनके लिए मैं एक दोषी हूँ। क्यों, क्या अनशन करने की जरूरत है, क्या जरूरत है? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो ना, अरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अपना जाओ, थोड़ा बहुत बातचीत करो, थोड़ा बहुत टीवी पे दिखो, यही तो तुम्हारा काम है। ये है हमारे देश की व्यवस्था का दिल्ली महिला आयोग की तरफ नजरिया कि नोटिस क्यों इशू करती है हमें, तुम्हारा क्या काम है, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, रात में क्यों चली गई, स्पा में क्यों आपने एक्शन करा? करूंगी, हर हाल में करूंगी। दिल्ली महिला आयोग में यहाँ पे कुछ बटोरने के लिए नहीं बनी, दिल्ली महिला आयोग में इसलिए हूँ कि हमारी देश की जितनी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे जरूरत है। आज बहुत दुख की बात है कि पुलिस इस तरीके का रवैया अपना रही है हमारे को, ना तो टेंट लगाने दिया, ना यहाँ पे कोई भी व्यवस्था करने दी, टॉयलेट तक नहीं लगाने दिया कि अनशनकारियों को अब आधा आधा किलोमीटर चल के जाके टॉयलेट यूज करना पड़ेगा, माइक का सिस्टम नहीं है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से ये हमने वर्कआउट करा। तो अब ऐसी सिस्टम में क्या चाह रही है दिल्ली पुलिस, क्या दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है? बहुत दुख की बात है, दिल्ली पुलिस ने ये ऑर्डर कराया कि 5 बजे के बाद बैठने नहीं देंगे। अरे तो कहाँ बैठने दोगे, लोकतंत्र है या नहीं है? अरे मैं एक आम महिला हूँ, मैं अनशन करना चाहती हूँ, मुझे अनशन करने से क्यों रोका जा रहा है? जब तुम या तो काम कर लो, अगर तुम ढंग से काम कर लोगे तो मुझे अनशन करने की जरूरत क्या है? काम भी नहीं करेंगे, अनशन भी नहीं करने देंगे। अगर कोई अनु दुबे उठेगी, एक लड़की है अनु दुबे, 2 दिन पहले अनु दुबे गई संसद के बाहर एक बोर्ड लेके खड़ी हुई कि रेपिस्ट को एक्शन करो, दिल्ली पुलिस उसे घसीटते हुए लेकर आई और इतना मारा पीटा। जब मैं वहां पे अंदर गई पुलिस थाने में, तब तो उसको छोड़ा है, उसको मैं वहां से निकाल कर आई। तो ये दिल्ली पुलिस महिलाओं से दुश्मनी क्यों लड़ती है? हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है, हम तुम्हारा कौन सा कुछ बिगाड़ देंगे? हम लड़ रहे हैं कि 66,000 पुलिस कर्मी दिल्ली पुलिस को मिले, और ये लड़ रहे हैं कि कैसे इनके अनशन बंद हो, और बार बार बोल रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आया। तो आया होगा ऊपर से ऑर्डर, क्योंकि पिछली बार 10 दिन के बाद ही सही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था और मेरे अनशन के बाद कानून बनाना पड़ा था देश में। तो इस बार वो नहीं चाहते, लेकिन इस बार होके रहेगा। मैं तो बैठ गई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब मेरी यहाँ से डेड बॉडी जाए, अर्थी उठे चाहे मेरी यहाँ से, लेकिन हर हाल में अनशन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कि कुछ बदलाव नहीं होता। ये तो धिक्कार है हमारी जिंदगी को। आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। जो जो लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज आइए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप ही मेरी एनर्जी है, और आप लोग साथ होते हैं तभी कुछ बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।